सो यू गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बाकी आज सीजी का राउंड थ्री सीजी क्वालिफाइंग के लिए एंड काफ़ी अच्छा खेला था सीजी ने और डबल चिकन डिनर आपको देखने को मिलेगा और साथ में जो बहुत ही मज़ा आएगा एंड जो बिराबर में चिकन निकाला है वो देखना देखना और अक्षत का वो आई थिंक 1v3 और 1v4 था सैनॉक में वो देखना बहुत ही मज़ा आएगा। तो सी जी ने आज काफ़ी अच्छा खेला था और क्वालिफाई हो चुके राउंड 4 के लिए एंड चलते हैं की तरफ। कल से लगता नहीं आप बहुत यंग है मेरे ख्याल से बट वहीं पे अगर बात की जाए यहाँ पे डीसी की पिछले दो मैचेस काफी अच्छे गए थे उनके बट कार्निवल गेमिंग वो फिनिशेस निकालना चाहते हैं। एक एक पॉइंट क्रूशियल है कार्निवल गेमिंग के लिए। डायनामाइट अभी के लिए होल्ड करते हुए उनके पास है नहीं, नियो का एक और शानदार नेड, नोबी को भी यहाँ पे डाउन किया गया नियो के उस नेड ने, शिकार करे हैं दो, डायनामाइट भी उस नेड का शिकार हुए, 3 टोटल फ्रैग्स अब नियो के पास, 4 टोटल कार्निवल गेमिंग के खाते में। एमिनेशन में थोड़ी सी कमी यहाँ पे, ज्यादा 5.56 की गोली यहाँ पे होगी नहीं, 30/31 के पोजीशन काफी अच्छी बट कार्निवल गेमिंग ये हल्ला बोला गया है उनके ऊपर, इस हमले को रोकना पड़ेगा। एक और प्लेयर को डाउन किया, क्लच शॉट अपनी फॉर्म में आते हुए, तीसरा खिलाड़ी भी यहां पे डाउन, चौथे को भी स्पॉट करा, चौथे को भी डाउन करा। कार्निवल गेमिंग क्या शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए, खिलाड़ी दो बट दोनों क्या कमाल के प्लेयर बनते हुए। ये खिलाड़ी कमाल है, ये खिलाड़ी धमाल है, ये खिलाड़ी स्पीडो, ये खिलाड़ी बेमिसाल है। क्लच शॉट जिस प्रकार से हर एक वक्त पे इनका काम एंड कंपोजर मेंटेन रहता है क्लच सिचुएशंस में जिस चुके हैं एंड अभी भी जो जोन का शिफ्ट आया वो कार्निवल गेमिंग के ऊपर जाते आपको नजर आएगा। बट आई फॉर आई मौका इस बार कमबैक करने का, 3 फ्रैग्स ये टीम निकाल चुकी है और अब जोन के अंदर आगे बढ़ना चाहेंगे। जोन के अंदर आगे तो कार्निवल गेमिंग भी बढ़ रहे थे, अक्षत कोशिश कर रहे थे कि सर्कल के अंदर थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करे बट जैसे ही सर्कल के अंदर मूव करी नॉकआउट और उनका भी नंबर्स गेम एडवांटेज है उनके पास। देखिए तो सही कितनी शानदार पोजीशनिंग है जोन के पास है, उधर नियो भी जोन के थोड़ा सा दूर है, फाइनली उनको भी स्पॉट करा जाएगा और इसी के साथ कार्निवल गेम है। आप उस मैच में कुछ खास नहीं कर पाए और तीसरा मैच भी आपके लिए बढ़िया नहीं रहा, पर बहुत समय से हम देख रहे थे कार्निवल गेमिंग और आई फॉर आई दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे, हालांकि वो कंपाउंड के आसपास की फाइट थी, यहाँ तो बहुत ज्यादा ओपन में पकड़ लिया गया और जो पहला फ्रैग है वो भी कार्निवल गेमिंग के खाते में जाता हुआ दिखाई देगा। नियो को अपना पहला जो फिनिश था वो मिल चुका और अभी भी गेम हब वो फिनिशेस चाहते तो जरूर है पर मुझे शायद लगता है कि उन्हें अंदाजा नहीं है कि कौन सी टीम का कौन सा खिलाड़ी नॉक हो रहा है, फिनिश वीड उतने अच्छे तरीके से उन्होंने रीड की नहीं और यहाँ से वो निकलना चाहते हैं गेम। अब आप सोचिए कि यहाँ पर उन्होंने अपने दो खिलाड़ी गंवा दिए और वो दो खिलाड़ी के साथ जोन के अंदर जाना चाहते हैं। एक सही निर्णय कि आप प्लेसमेंट पॉइंट के लिए खेल रहे, आप यहाँ पर जोन ओरिएंटेड गेम खेल रहे, पर इन सबके बीच में क्या आप सही सलामत जोन के अंदर जा पाएंगे उस पर भी एक बड़ा सवाल। पर इन सबके बीच में रेज ट्रेन शायद वो भी निकलना चाहते हैं, आप सोचिए कि एक गाड़ी उठाई गई है, स्पाइडर क्या वो जाने देंगे, जवाब रहेगा नहीं, खिलाड़ी को नॉक किया गया और उनका जो आखिरी खिलाड़ी बचा हुआ शेरिफ वो भी स्पॉट कर लिए गए, उन्हें भी समाप्त कर दिया गया। नहीं ना, यही अंजाम देके जाएगा आपको। फिलहाल के लिए रेज ट्रेन को मौका मिलेगा फिर से अगले गेम पे बट अभी के लिए देखिए एक बहुत बढ़िया मौका बनता हुआ यहाँ पे टीम अनस्टॉपेबल्स को स्टॉप, वो भी डाउन कर दिए गए। A2K अभी तक उन्होंने फिनिशेज नहीं निकाले हैं और डायनामाइट इसी बीच वो भी नॉक, वीरू जो नॉक थे उन्हें ओमला, डायनामाइट नॉक है, शायद रिवाइवल की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है पर नहीं, डायनामाइट गाड़ी ब्लास्ट समाप्त हो गए और अब ड्रैगन क्लॉ बचती है 3 खिलाड़ियों के साथ। मुझे लगता नहीं, वो बहुत बढ़िया एक सिचुएशन है, बहुत बढ़िया पोजीशन है, एक शैक के अंदर 3 खिलाड़ी, एक नेड अगर सही से है भी नहीं, पहले ही मैच में हमने उनको देखा प्लेसमेंट पॉइंट बिल्कुल लेकर नहीं गए, मात्र एक आया और 9 फिनिशेस उन्होंने पहले ही मैच में निकाले थे और इस तरीके का गेम प्ले मुझे लगता है उनके लिए आम है पर थोड़ा सा ज्यादा आगे निकल गए ही मूव इसी बीच बात, थोड़ा सा स्पेस बनता सर्कल के अंदर उस एंगल पे बहुत ज्यादा उनको क्लियरेंस मिलता बट करा नहीं और उसी के चलते काफी ज्यादा खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। बट ऑन द अदर साइड कार्निवल गेमिंग की बात करनी पड़ेगी, नियो इस मैच में भी 5 फिनिशेस बट क्या इनके साथी को बचा पाएंगे, दो खिलाड़ी यहाँ पे नॉक डाउन हो गए। मेजी प्रॉब्लम को बचाने के लिए ओमेगा आए थे और उस चक्कर में ओमेगा उन्हें भी नॉक कर दिया गया, एक के बदले वो दो दे बैठे और मैं अभी भी मान के चलता हूँ कि वो दो खिलाड़ी अगर सैनहॉक के मैच में वो चीज कर सकते हैं मेरामार में भी किया जा सकता है। अक्षत वो भी पहले हाफ पे ज्यादा बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाए बट इस गेम के अंदर 7 फिनिशेस बट जैसे ही इस टीम का मैंने नाम लिया दो खिलाड़ी है यहाँ पे नॉक डाउन हो गए। कार्निवल गेमिंग का यहाँ पे बहुत एडवांस्ड प्रोग्रेशन, न्यू आप देखिए ऑलमोस्ट आ चुके NIY को खत्म करने के लिए, एक खिलाड़ी यहाँ पे नॉकआउट होते हुए स्मोक के अंदर से स्पॉट करने की कोशिश बट हुई नहीं जाएगी।
अक्षत वो इसी बीच वो समाप्त कर दिए गए और अभी भी मैं देख पा रहा हूँ कि उन्हें अंदाजा ही नहीं है कि वो खिलाड़ी नॉक पड़ा हुआ था। चलिए फाइनली नियो को पता चला कि हाँ वो खिलाड़ी नॉक पड़ा हुआ है और ये सातवां फिनिश आप कह सकते हैं, नहीं छठा फिनिश उनके खाते में जाएगा। टोटल 9 फिनिशेस के साथ कार्निवल गेमिंग इस मैच में भी है। हर बार उन्होंने प्लेसमेंट पॉइंट निकाले, हर बार वो फिनिश पॉइंट भी अपनी टीम के लिए लेकर गए और इसी बीच ओमेगा उनके द्वारा भी प्रहार किया जाएगा। एक और नॉक कार्निवल गेमिंग निकालते हुए और देखना ये कि क्या ये चिकन डिनर कार्निवल गेमिंग अपने लिए लेकर जा सकती है, क्योंकि पिछले 3 मैच में चिकन डिनर नहीं आया और ये एक मौका हुआ था। रिवाइवल की प्रक्रिया वहां पर चल रही थी पर इसी बीच एक ग्रेनेड और NIY उनका एलिमिनेशन इस मुकाबले से। जी हाँ, बट अब यहाँ पे आज ये थी अल्टीमेट फाइट कार्निवल गेमिंग वर्सेस ड्रैगन क्लॉथ। 2 टीम यहाँ पे, 5 खिलाड़ी मौजूद और पहला कनेक्शन यहाँ पे नियो को मिलता हुआ, अपनी टीम को लीड कर रहे हैं इन फाइट्स में। हवाई फायर पीछे से बैकअप और नियो आगे जाते हुए पहला नॉक उनको मिलेगा। अब बस फॉर्मेलिटी की बारी है बिकॉज एक 1v3 का सिचुएशन बनता हुआ जिसको भी खत्म कर देंगे और बहुत बेहतरीन एक विनर चिकन अभी भी खोजा जा रहा है कार्निवल गेमिंग के खिलाड़ियों के द्वारा कि बाकी जो बचे 2 खिलाड़ी थे वो आखिरकार गए कहां पर। ये ग्रेनेड ठिकाने पर जाएगा और इन सबके बीच में रेक्सी वो डाउन किए गए और हॉकआई वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे उन्हें भी एलिमिनेट किया गया। कार्निवल गेमिंग 2 फिनिशेस, दोनों के दोनों आए अक्षत के खाते में। शानदार शुरुआत कार्निवल गेमिंग के लिए। अब देखिए इस टीम को डर नहीं है किसी बात का, अब वो जानते हैं के लिए जाने भी जाते हैं बट इन एरियाज में जहां पे टीपीपी एडवांटेज अपोनेंट के पास है मुश्किल जरूर होगी कार्निवल गेमिंग को भी। वो आगे जाने का प्रयास कर रहे थे, वहाँ पे स्पॉट किया, एक खिलाड़ी को डाउन भी कर दिया जाएगा, दूसरा खिलाड़ी अभी भी वहाँ पे मौजूद है। देखना ये कि क्या कुछ कमाल करके दिखा पाते। स्वयं के नेड से वहाँ पे एक खिलाड़ी शायद नॉक हुआ था अगर मैं गलत नहीं हूँ, बट नियो अभी भी वो आगे बढ़ रहे, एक और नेट की तरफ वो आगे जरूर बढ़े बट कनेक्शन नहीं मिलता हुआ। एक खिलाड़ी डाउन था कार्निवल गेमिंग से, उसे तो रिवाइव कर लिया जा चुका है बट ये प्लेयर्स अभी ये फाइट सिर्फ एक टीम के साथ आपको देखने नहीं मिल रही है। नीचे मौजूद है एक टीम तो दूसरी तरफ दूसरी टीम भी मौजूद रहेगी एंड वो रहेंगे क्लू के खिलाड़ी। काका बॉय वहाँ पे मौजूद स्पॉट करने का प्रयास वो कर रहे थे। लीजिए अक्षत को वहाँ पे डाउन किया जाएगा, गॉब्लिन प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें भी बचा लिया जाए बट ये ओपन एरियाज बहुत ज्यादा परेशान करने वाले उन्हें। स्पॉट किया काका बॉय को, शॉट्स लेने का प्रयास बट हो सकती है। नियो आगे मौजूद, काका बॉय वो प्रयास कर रहे हैं आगे जाने का, नियो नॉक क्या वो सिक्योर कर पाएंगे। 2 खिलाड़ी एक पीछे मौजूद कवर देते हुए अपने टीममेट को, नियो बहुत ज्यादा परेशानी में बट चलिए नॉक निकाला नियो ने, वहाँ पे फिनिश भी किया जाएगा उस खिलाड़ी को। गाड़ी आगे मौजूद स्मोक किया जाएगा, गॉब्लिन को भी रिवाइवल देना है बट वहाँ पे आप देखिए अक्षत एंड ओमेगा वो ऑलरेडी समाप्त किए जाने वाले, यानी अब बचे हुए ये 2 खिलाड़ी नियो एंड गॉब्लिन वो गाड़ी लेके सीधा आगे आना चाहते हैं। दूसरा खिलाड़ी भी वहाँ पे मौजूद, उतरेंगे गाड़ी से सीधा नॉक फिनिश किया जाएगा वहाँ पे आखिरी बचे हुए खिलाड़ी को, जो खुद सामने वाले को दिक्कत दे सकता था वो खुद अपने आप के लिए एक दिक्कत बनता हुआ। 3 ऊपर ये टीम आपको देखने को मिलेगी बट टीम ट्राईहार्ड्स अब वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है, उनकी एक बहुत शानदार फाइट हमें देखने को मिल सकती है कार्निवल गेमिंग के इन खिलाड़ियों के साथ। जी हाँ, स्पॉट किया, डाउन किया, एक फिनिश ऑलरेडी मिल चुका है उन्हें वहाँ पे, दूसरे प्लेयर को भी स्पॉट करेंगे। मिनी टैंक पिछले मुकाबले में भी अकेले सर्वाइव कर रहे थे ये खिलाड़ी एंड इस बार भी अकेले कमान संभाल रहे वो अपने टीम की, बट कितनी दूरी तक आप देखिए गॉब्लिन उन्होंने कितनी शानदार तरीके से उसे स्पॉट भी किया था उस खिलाड़ी को, बट मिनी टैंक उन्हें तो कोई और टीम ही उनका फिनिश अपने नाम पे लेके जाएगी एंड गॉब्लिन जितना प्रयास किया उन्हें वो एक फिनिश नहीं मिलेगा। नो फियर के रवि थे जिन्होंने वहां पे वो फ्रैग निकाला अपनी टीम के लिए। नियो क्या वो नॉक मिल पाएगा आर्यन को, सामने ही मौजूद वो खिलाड़ी गॉब्लिन को भी उन्होंने देख लिया है। 2 खिलाड़ी मौजूद आगे ओपन एरिया में आगे बढ़ते हुए, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। स्पॉट किया गॉब्लिन के ऊपर, स्प्रे लिया, वो सहारा मिला उन्हें उस पेड़ का, नॉक है, एक और नॉक उन्होंने ऑलरेडी सिक्योर कर लिया है। स्पाइडर बॉय वो क्या कुछ कर पाएंगे आप देखिए, मतलब अभी तो कुछ बचा ही नहीं है उनके पास, 4 खिलाड़ी उनके सामने मौजूद है। नियो वो आगे आ रहे हैं, स्पॉट किया उन्होंने, फिनिश अपने नाम पे किया एंड पहला फिनिश जो की है कार्निवल गेमिंग अपने नाम पे लेती हुई, अक्षत उन्हें अपना पहला फिनिश भी मिलेगा। कार्निवल गेमिंग के ऊपर है, आप देखिए NIY बहुत ज़्यादा दूर है वो यू नो जोन से, अगर जोन के अंदर जाना है तो या तो आप डायरेक्शन चेंज करें जोन के अंदर जाए तो आप रुक जाए, बट वो रुकने का मौका भी वहाँ पे नहीं दिया जा रहा है। एक खिलाड़ी को फिर से नॉक किया जाएगा, फिर से रिवाइवल रीसेट की जो प्रक्रिया है उसे शुरू करनी पड़ेगी, यानी NIY अगर आप देखें तो जितना प्रयास कर रही है बचने का वो नहीं बच पाएंगे। स्कॉर्पियन ओपन में आते हुए ये खिलाड़ी स्मोक करने का प्रयास ही था कि स्पॉट करके उन्हें भी डाउन किया जाएगा नियो की तरफ से, दूसरा फिनिश भी यहाँ पे मिलता हुआ, बचे हुए खिलाड़ी अभी भी वहाँ पे मौजूद। कार्निवल गेम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता हुआ, इनर्शा की आप बात करोगे, एक प्लेयर को स्पॉट किया था गॉब्लिन ने, नॉक भी निकाला बट इंस्टेंटली गॉब्लिन को वहाँ पे नॉक कर दिया जाएगा। ओपन एरिया है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, रिवाइवल की प्रक्रिया हल्की मुश्किल हो सकती है अगर आप स्मोक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नीचे शॉट्स भी आते हुए, अक्षत को भी वहाँ पे डाउन किया, बहुत ज़्यादा मुश्किल था वो रिवाइवल वहाँ से कंप्लीट करना। नियो अभी भी वो वहाँ पे मौजूद, NIY के लुका वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे, हाथ में रहेगी एक DBS, चलिए गन भी स्विच करेंगे, वो आगे मौजूद, एक खिलाड़ी नेड आएगा पीछे से, वो
वो नेट डाउन कर देगा उस खिलाड़ी को। नियो का नेट बहुत ज्यादा शानदार, गाड़ी लेके आगे बढ़े। एक और खिलाड़ी को ओमेगा ने वहां पे डाउन किया। NIY देखते ही देखते इतना ज्यादा एडवांटेज जिस टीम के पास था इस पूरे फाइट में वो समाप्त हो जाएगी। ओमेगा द सेवियर फॉर टीम कार्निवल गेमिंग, बट अभी भी प्लेयर का बचना तो नामुमकिन। ब्लीड आउट होके वो वहां पे ही समाप्त हो जाने वाले हैं। इनर्शा के खिलाड़ी अभी भी दिक्कतों में होते हुए, वो कार्निवल गेमिंग ही है। नियो, उन्होंने एक और नॉक निकाला इनर्शा के ऊपर, कंफर्म भी करेंगे वो उस खिलाड़ी को। बट फाइनली हीमू, उन्होंने स्पॉट किया ओमेगा को, डाउन किया गया। नियो प्रयास कर रहे गाड़ी के साथ अंदर जाए, बट अब नामुमकिन सा ये सफर नियो के लिए भी। क्या जा पाएंगे जोन के अंदर? ओमेगा उनको वहाँ पे सिर्फ डाउन ही नहीं किया, शायद एलिमिनेशन भी ओमेगा का काफी जल्दी हमें यहाँ पे देखने को मिले। बट नियो क्या वो बचा पाएंगे अपने टीममेट को? एक HP पे सर्वाइव करता हुआ ये खिलाड़ी। बट उसी समय अगर बात करते हो लूजर्स ईस्पोर्ट्स, इनका भी खेल समाप्त हो, इंतजार कर रहे हैं वो। बट ये जोन का शिफ्ट आता हुआ, एंड आप देखिए कितनी सारी टीम्स आपको जोन के बाहर अब देखने को मिल रही है। फिर दोबारा से प्रयास रहेगा कि आप निकले यहाँ से, आप जोन के अंदर जाइए। बट ये फाइट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती हुई, एक खिलाड़ी डाउन है, दूसरा प्लेयर भी वहाँ पे मौजूद था। गेम हब ईस्पोर्ट्स काफी ज्यादा चर्चा करते हैं हम इस टीम की, बट काफी जल्दी बाहर होते हुए। और हमेशा कार्निवल गेमिंग दो फिनिशेस के साथ अभी भी आप देखिए कितना ज्यादा शांत है, एंड जोन के अंदर क्या ही अच्छा पोजीशन आपको देखने को मिल रहा है कार्निवल गेमिंग का। बीचों बीच अभी भी होल्ड करके रुके हुए खिलाड़ी गॉब्लिन, उन्होंने स्पॉट किया रूफटॉप पे मौजूद ये खिलाड़ी। थोड़ा सा ये दिक्कत वाला एक पोजीशन हो सकता है, बिकॉज आप काफी ज्यादा ओपन में रहते हो एक एंगल से। बट चलिए, स्पॉट भी किया गॉब्लिन ने, खिलाड़ी को नॉक किया, दूसरा भी खिलाड़ी वहां पे मौजूद है गॉब्लिन। दोनों भी खिलाड़ियों को वहां पे समाप्त करके चार फिनिशेस लाके देंगे अपनी टीम। उनके ऊपर कोई आया नहीं, अब एक टीम आई तो सही, पर शरीफ वो पहले से ही नॉक्ड आपको दिखाई देंगे। मोस्ट प्रोबब्ली वो जो फिनिश है वो मिल जाएगा नूबी को, पर उनके जो चौथे खिलाड़ी थे वो तो बहुत ज्यादा लेट पे आए और आते ही सीधा अंदर चले गए। पर उन सबके बीच में वोल्टेक्स, वो पहले से ही तैयार थे, पर इन सबके बीच में कृष्णा, वो अपने UMP का प्रहार करेंगे और आते वोल्टेक्स को उन्होंने रोक दिया। दो तीन खिलाड़ी नॉक कर दिए गए और हीमू आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे, उन्हें भी समाप्त किया गया। वोल्टेक्स आए तो सही, पर वो फिनिशेस नहीं लेकर जा पाए। कार्निवल गेमिंग एंड वोल्टेक्स, उनकी आपको वो फाइट पूरी तरीके से देखने को मिली थी। एंड ओमेगा के नेट क्या ही शानदार, नियो वो अभी भी वहां पे सर्वाइव करते हैं। बट चलिए, आखिरी बचे हुए खिलाड़ी थे, नौ फिनिशेस के साथ कार्निवल गेमिंग आगे आती हुई। एक उनका जो खिलाड़ी है वो उन्होंने खो दिया, एंड वो रहेंगे ओमेगा वहां पे। बट चलिए, तीन खिलाड़ी अभी भी मौजूद, क्लू ईस्पोर्ट्स उनका एलिमिनेशन, अभी के लिए बची हुई पांच टीमें 15 प्लेयर्स के साथ। भाई को जब आप बात करते हो सर्वाइवल की, तो गॉब्लिन को देखिए आप, वो रुकने का नाम वहां पे नहीं ले रहे। एक प्लेयर को स्पॉट किया था, डाउन करने का प्रयास भी था, एंड वो 10वां फिनिश गॉब्लिन ला के देंगे अपने टीम को। स्मोक के अंदर अभी भी वो प्रेडिक्टेबल स्प्रेस के लिए आगे बढ़ रहे, बट जी नहीं, अब वहाँ पे कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं रहने वाले। बट ये बचे हुए खिलाड़ी आप देखिए, पीछे से ये चार खिलाड़ी आगे बढ़ते हुए, कार्निवल गेमिंग इनके बचे तीन। दोनों भी टीम्स फिर से अपने आप को हील करेगी। आप गॉब्लिन को देखिए कितनी ज्यादा यूटिल्स है उसके पास, बट अब कुछ बचा नहीं रहेगा। एंड वहीं पे स्पॉट कर लिया जाएगा अक्षत को, सिर्फ नॉक नहीं किया, डैमेज किया, डाउन किया। दूसरा खिलाड़ी मौजूद, वो भी स्पॉट करके यहाँ पे एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। नियो आखिरी बचे हुए खिलाड़ी आपको वो देखने को मिल जाते हैं। सामने मौजूद चार प्लेयर्स हाथ में रहेंगे गेस्टुअल के, प्रयास कर रहे हैं कि एक नॉक यहाँ से निकाला जाए। जोन वो भी एक इनके लिए दिक्कत बन सकता है। खिलाड़ी आएंगे विंडो की तरफ, स्पॉट किया नियो ने, डाउन किया। दो बचे हुए खिलाड़ी अभी भी सामने मौजूद, एक और प्लेयर को डाउन किया जाएगा। नियो ये रुकने का नाम नहीं ले रहे, सामने मौजूद दूसरे खिलाड़ी आते हुए जंप शॉट देने का प्रयास, एंड लीजिए नियो फाइनली उन्हें डाउन किया गया वहां पे।